टर्की में एक ट्रेंड चल रहा है कि गेट लॉस्ट पाकिस्तानी, ये सुनकर आपको कैसा लगे? कि पाकिस्तानी तुर्की में नहीं चाहिए। तुर्की के अंदर पिछले 10 से 12 दिन में हजारों की तादाद में भिखारियों को, पाकिस्तानियों को पकड़कर पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब तो टर्की जो इस्लामिक मुल्क है वो भी ये कह रहा है गेट लॉस्ट पाकिस्तानी, उनका सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है। और मैं आपको बताऊं कि 400 पाकिस्तानी पिछले 15 दिन में डिपोर्ट किए गए यहाँ से पकड़ के। अभी भी तुर्की की पुलिस घर घर पे जा रही है और पाकिस्तानियों को ढूंढ ढूंढ के जहाँ भी उनको वो मिल जाते हैं और उनको जेल ले जाकर या फिर कहीं भी ले जाकर, कैंप ले जाकर उनको डिपोर्ट किया जा रहा है पाकिस्तान। गाजी उस्मान पाशा में बकायदा उन्होंने घरों से पकड़ पकड़ के उन्हें डिपोर्ट किया, और ऐसे वाकयात हो रहे हैं कि जो वाकयात हमारी रूह जख्मी कर रहे हैं। यही चीज हमें अच्छी लगती है। मेरे को तो बड़ा मजा आता है। क्योंकि ये जाहिल कौम है। तो इसलिए जो है ना, आप अगर कोई भी बंदा बाहर जाता है या कहीं भी, तो आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो हमें चाहिए कि हम इस चीज़ का ख्याल रखें। अब जाहिर बात है, अब टर्की वालों को तो कोई ऐसा इशू नहीं है, मसला हमारे साथ है। हमें उन्होंने कुछ लोगों ने, हमारों ने ही ऐसे कुछ किया जिसकी वजह से ये ऐसा जो है ना सारा चल रहा है। और ये ओवरऑल सिर्फ टर्की में नहीं, पूरी दुनिया में ही इस वक्त जो है ना, अगर हम देखें ओवरऑल भी, तो रेसिस्ट पॉलिसीज आ रही। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान और पाकिस्तानी लोग ऐसी कौम है, अगर ये जब तक अपनी बेइज्जती नहीं करवाए और जब तक जूते ना खाए और इनकी जलालत ना हो अच्छी तरीके से, तब तक इन लोगों को मजा ही नहीं आता, आनंद ही नहीं आता। इन पाकिस्तानियों को लगता था तुर्की जो कि ब्रादर मिलके, मोमिन ब्रादर मुल्क है इनका, वो इनका भाई है। तो इन्हीं के भाई तुर्की ने पाकिस्तानियों को अपने घर से, यानी कि तुर्की से निकालना, खदेड़ना, भगाना शुरू कर दिया। क्योंकि ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी अपनी आदतों से तो बाज आती नहीं है, क्योंकि इनको जाहिलपना हर जगह फैलाना होता है। अब तुर्की इन पाकिस्तानी को क्यों भगा रहा है, जबकि तुर्की तो इन लोगों को अपना भाई मानता है और ये तो बहुत मित्र दोस्त है। जैसे चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती है, ऐसे तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती है। आखिर ऐसा क्या हो गया? तो इन जाहिलों ने, इन पाकिस्तानियों ने वहाँ की बहन बेटियों की, तुर्की की लड़कियों की फोटो वीडियो बना बना के सोशल मीडिया पर डालने लगे, उनको इस्लाम के बारे में आने लगे कि ये नंगी घूम रही है छोटे छोटे बच्चों की। तो अब तुर्की की आवाम ने एक मुहिम चलाई सोशल मीडिया पे, चाहे वो ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी। तो वो मुहिम इतनी तेजी से असर की कि इन पाकिस्तानियों को तुर्की से निकालो, तो वहां तक सरकार को नोटिस करना ही पड़ा। जब सरकार ने देखा ये पाकिस्तानी ही हमारे देश के अंदर गंदगी फैला रहे, तो उन्होंने उस गंदगी को उठा के बाहर फेंकने में भलाई समझी और पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर रहे हैं, उठा उठा के फेंक रहे हैं। और जितने भी पाकिस्तानी है तिलमिलाए बिलबिलाए बैठे हैं और बिलबिलाएंगे भी, भाई इनकी हरकतें ऐसी जाहिलों वाली। अपने आप को बेइज्जत ना कराए जब तक पाकिस्तानियों को नींद कहाँ आती है, इनको खाना हजम कहाँ होता है, कभी नहीं। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर रिलेटेड है, मुझे पता है आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। तो आप वीडियो का लीजिए मजा, आपका भाई मिलेगा आपको आखिरी में। और ये न्यूज वीडियो क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? तो दोस्तों इसके पीछे एक रीजन है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड क्यों चल रहा है? मैं 2 साल से इलीगल माइग्रेंट्स का चीख चीख के कह रहा हूं कि ये वो कालक है हमारे मुंह पर, यहां पर इलीगल माइग्रेंट जो कि इस तरह की ओछी हरकतें, वारदातें, इस तरह की जो चोरियां, डकैतियां और इस तरह के वाकयात कर रहे हैं यहां पर, कि वो पाकिस्तान का चेहरा मसख कर रहे हैं और हमारी एम्बेसीज भी खामोश हैं और हमारे पाकिस्तान में जो हुकाम है, जो इंसानी स्मगलर को FIA रोकने में नाकाम हुई, वो भी इसकी मुजरिम है। आज ये ट्रेंड तुर्की में टॉप ट्रेंड्स में से है कि पाकिस्तानी तुर्की में नहीं चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि 400 पाकिस्तानी पिछले 15 दिन में डिपोर्ट किए गए यहाँ से पकड़ के। जो ये लोग बोलते थे कि तुर्की हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, हमारा दोस्त कंट्री है, हमारा भाई है, आज उस भाई कंट्री के अंदर एक ट्रेंड चल रही है ट्विटर के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर, टिकटॉक के अंदर, यूट्यूब के अंदर, सारे सोशल प्लेटफॉर्म पे एक ट्रेंड चल रही है कि पाकिस्तानियों निकल जाओ हमारे देश से और पाकिस्तानियों को भगा दो यहां से। पूरी आवाम खड़ी हुई है, ये सरकार नहीं, आवाम की तरफ से ये ट्रेंड चला। अब सरकार ने भी एक्शन ले लिया है। गाजी उस्मान पाशा में बकायदा उन्होंने घरों से पकड़ पकड़ के उन्हें डिपोर्ट किया, और ऐसे वाकयात हो रहे हैं कि जो वाकयात हमारी रूह जख्मी कर रहे हैं।
मैं आपको बताऊंगी ये ट्रेंड क्यों चल रहा है। ये ट्रेंड इसलिए चल रहा है कि चंद पाकिस्तानी इलीगल माइग्रेंट और उनके साथ मिले हुए अफगानी जो कि 35 लाख अफराद पाकिस्तान में पिछले 45 साल में मुकीम हैं, उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट हैं, पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड हैं, वो यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तानी भी शामिल हैं उसमें, मैं उनको बैयर उज़्ज़मा नहीं करार देता, ये सब मिलके यहाँ पर ये गंद फैला रहे हैं और ये यहाँ पर इलीगल तौर पर आते हैं, छुप छुपा के वारदातें करते हैं। और अब वारदातें क्या डाली इन्होंने, जिसकी वजह से यहाँ पर ये ट्रेंड बना के पाकिस्तानियों को तुर्की कबूल नहीं करेगा, नो मोर पाकिस्तानी इन तुर्की। दोस्तों देखिए, ये भिखारी, ये पाकिस्तानी जाहिल लोग हैं, ये अपने देश में जो जहालत करते हैं, मारदार करते हैं, औरतों को जलाते हैं, लोगों को जलाते हैं, ये समझते हैं कि हम किसी और देश में जाएंगे तो वहां पे भी हम ये काम करेंगे तो कोई पूछने वाला नहीं है। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे आके कुछ पाकिस्तानियों ने लड़कियों की वीडियोस बनाई, और वो भी कैसे वीडियोस, कैसी लड़कियों की, जो एक लड़की बच्ची सड़क पे जा रही है 15-16 साल की स्कूल, तो उसकी वीडियो बना ली कि भाई ये देखो इसने ऐसे नंगे कपड़े पहने, या कोई लड़की यूनिवर्सिटी में, लड़कियां पढ़ती है यूनिवर्सिटी से निकलती है, उसकी वीडियो बना ली अपने टिकटॉक पे अपलोड कर दी कि ये लड़कियां देखो कैसे छोटे छोटे कपड़े पहन के यहाँ पे घूमती है, और ये वो बहुत सारी वीडियोस इन लोगों ने बनाई है मेट्रो के अंदर और ट्रेन के अंदर। और जब आवाम को इस बारे में पता चला तो आवाम ने ट्रेंड शुरू किया, जब हुकूमत तक बात पहुंची तो हुकूमत ने एक सरकार ने एक जो है वो सर्च इंजन, जब उन्होंने सर्च किया कि देखा कि यहाँ पे तो हजारों की तादाद में पाकिस्तानी हैं जो तुर्की में रह के वीडियोस बनाते हैं, ये देखो भाई यहाँ पे लड़कियां ऐसे नंगी घूमती है या चुम्मा चाटी होती है सड़कों पे, हाथ से हाथ मिला के लड़का लड़की चलते, तो ये जाहिल के बच्चे। तो उसके बाद हुकूमत ने भी ये फैसला दिया, न्यूज चैनल में भी आया कि पाकिस्तानियों को यहां से निकाल दिया जाएगा। अब इनको ना गाइस पकड़ के इन लोगों को यहां से तुर्की से डिपोर्ट कर रहे हैं, यही चीज हमें अच्छी लगती है। मेरे को तो बड़ा मजा आता है। क्योंकि ये जाहिल कौम है, जाहिल लोग हैं, ये जहां दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे ना, किसी भी कोने में ये दुनिया के जाएंगे ना, टट्टी ही करेंगे साले। जब इनका पीएम बेवकूफ रहता है तो आवाम से क्या गिला शिकवा। पाकिस्तानियों तुम कब सुधरोगे, कब सुधरोगे भाई, कब सुधरोगे, कब अपनी हरकतें सुधारोगे अपने घर में, देश में, गांव में। तो तुम जितनी जलालत करते हो, करते हो, करते हो, करते हो, करते हो, करते हो, करते ही रहते हो, तो उस जलालत को तुम अपने गांव और अपने घर और अपने पाकिस्तान तक सीमित रखो ना भाई। क्यों दुनिया को गंदा करने में लगे हो, क्यों अपनी जहालत की मोहर पूरी दुनिया के अंदर लगाना चाहते हो कि हम पाकिस्तानी दुनिया के सबसे बड़े जाहिल लोग हैं, बेगैरत लोग हैं। और ये मुझे साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी अपने आपको प्रूव करते रहते हैं कि वो जहालत में कितने आगे हैं और हमेशा आगे रहने वाले हैं। और दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, पाकिस्तान की जहालत के ऊपर अगर आपको थोड़ा सा भी शक है और आपको लगता है कि नहीं कुछ पाकिस्तानी ऐसे हैं कि जो जहालत नहीं फैलाते वो गधे नहीं है, तो आप कमेंट कीजिए। और आपको लगता है कि वो जाहिल है तो भी कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट आपका एक कमेंट पाकिस्तानियों के लिए एक जूते के बराबर है। तो जूता अच्छे से मारना, 10 नंबर वाला मार दो। एक खुशखबरी हमारे चैनल के लिए, आपके भाई को थैंक्स बटन मिल गया है। आपको लगता है कि हाँ भाई थोड़ा था आपको मुझे स्पेशल थैंक्स बोलना चाहिए, तो स्पेशल थैंक्स अगर आप जहाँ पे लाइक शेयर कमेंट होता है वहाँ पे देख सकते हैं, तो वहाँ पे आप स्पेशल थैंक्स आपके भाई को बोल सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मेरी आईडी का, फॉलो कर सकते हैं आप। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए 5 मिनट से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।